हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा BEE EEE, ठीक है, जिसको बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। जैसे कि आप सभी अभी तक जो भी पढ़ाई हुई है आपकी, वो क्लास 10 तक हुई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जो ये सब्जेक्ट है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा चेंज सब्जेक्ट है एक तरीके से दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों, इसके कुछ प्रैक्टिकल भी हैं। अगर जो जिस भी सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो उसके क्या होंगे दोस्तों, वाइवा भी होगा, ठीक है। वाइवा कैसा होगा दोस्तों, एक तो आपका इंटरनल वाइवा भी होगा, और दूसरा क्या होगा दोस्तों, आपका एक्सटर्नल वाइवा भी होगा, ठीक है। एक्सटर्नल वाइवा में दोस्तों, आपके सामने कोई टीचर आएगा, दूसरा जो क्या लेगा वाइवा लेगा, और इंटरनल वाइवा में भी आपके क्लास के टीचर हैं वही लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए, क्योंकि ये जो BEE EEE है वो हर किसी ब्रांच के अंदर देगा, चाहे वो बच्चा सिविल का हो, ठीक है, या तो चाहे वो मैकेनिकल का हो, ठीक है, या फिर कोई भी ब्रांच का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का हो, या कंप्यूटर साइंस का हो, सभी के पास है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि अगर जो आप जब सी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद क्रॉस करोगे, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आओगे, तो आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करोगे दोस्तों, आप अपने जो भी आपके सेमेस्टर वाइज होंगे उनकी पढ़ाई करने लग जाओगे, ठीक है। लेकिन ये जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों, ये ज्यादातर जो रिसेम्बल करता है वो कौन से ब्रांच से, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या करता है, बहुत ही ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो वो बच्चे तो दोस्तों पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे देखिए, जो कंप्यूटर के हैं बच्चे, सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, ठीक है, और अदर ब्रांचेस के हैं, आईटी के हैं, वो सभी बच्चे इन सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि आप सब इसी वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसी के साथ में क्या करो दोस्तों, इस सब्जेक्ट को निकाल लो, ठीक है। मैंने किया किसी भी बच्चे का बैक ना आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर जो आप सभी का कोई भी डाउट है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपको आगे भी मदद मिलती रहेगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो आपके हम सिलेबस पे बात करें कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है, DC और AC है, ठीक है। तो ये दोनों जो टॉपिक है दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, आज जो आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, हमारा AC का क्वेश्चन है। आपको AC का क्या दिया गया है, एक अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और आप में आपसे क्या पूछा गया, इतनी सारी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इसके RMS वैल्यू क्या होगी, और एवरेज वैल्यू क्या होगा, और इसका फॉर्म फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका इक्वेशन दिया गया अल्टरनेटिंग करंट का, क्या दिया गया है, I = में 42.42 क्या दिया गया है, sin 628 t देगा, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, I = में Im sin ωt, ठीक है। Im क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो क्या जाएगा, 42.42 हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 628 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी जो होता है दोस्तों, ओमेगा होता है, वो किसके बराबर, 2πf के बराबर होता है। एफ क्या है दोस्तों, यहाँ फ्रिक्वेंसी है, यानी कि 2πf होगा, वो किसके बराबर होगा, 628 के बराबर हो जाएगा। अगर जो हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं, f बराबर कितना हो जाएगा, 628/2π हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 3.14 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 628/2 × 3.14, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 628 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 6.28 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा के क्या करो दोस्तों, यहाँ पे 100, इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया दोस्तों, आपका 100 Hz। फ्रीक्वेंसी किस में नापते हैं, 100 Hz। दोस्तों घबराइए मत, किस कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और आपके एग्जाम में दोस्तों कैलकुलेटर भी क्या होता है, अलाउड होता है, ठीक है। तो आप वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर भी लेके जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं RMS। तो RMS जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो क्या होता है हमारे पास, देखिए, जो IRMS होता है, ठीक है, IRMS किसके बराबर होता है हमारा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, IM, यानी कि IM का मतलब I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, I मैक्सिमम कितना दे रखा है, 42.42 दे रखा है, और इसको √2, जब इसको इससे डिवाइड करोगे दोस्तों, किसके बराबर होगा, 30 एम्पियर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो एवरेज वैल्यू की बात करें, कि जो एवरेज वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, हमारे पास ये होता है 2 IM, और डिवाइडेड बाय क्या होता है दोस्तों, पाई से इसको क्या करो, उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2 × में कितना हो जाएगा दोस्तों, 42.42, और डिवाइड बाय 3.14 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, 27 एम्पियर के क्या आएगा, ये बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर दोस्तों। तो जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर मैं लिख देता हूँ, फॉर्म फैक्टर किसके बराबर होता है, IRMS डिवाइडेड बाय किसके बराबर होता है दोस्तों, IAverage के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने निकाला, कितना निकाला दोस्तों, 30, और यहाँ पे कितना निकल गया, 27, और अब आप इसको डिवाइड करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, 1.11 के क्या आएगा, ये
बराबर आएगा, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों, एग्जाम में आप निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिक क्या दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 2 पाई f, 2 पाई f, यानी कि ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। और आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई रूट टू होता है। एवरेज की वैल्यू क्या होता है, 2 टाइम IM डिवाइडेड बाई पाई होता है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है दोस्तों, आई आर एम एस, और क्या होता है इसका एवरेज का क्या होता है, रेशो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज वी, वी के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। और हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आर एम एस और एवरेज वैल्यू क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इजिली क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी डिटरमाइन कर लेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा होता है। देखिए अभी यहाँ पे वी दे रखा है, वी वी के टू में 141.1, और क्या दिया गया है, साइन 314 t, ठीक है। अगर जब जनरल इक्वेशन के वी इक्वल टू में क्या होगा, वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। वीएम की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 141.1, और ओमेगा टी की, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 314। हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों, यानी कि ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई f के बराबर होता है। तो 2 पाई f की वैल्यू कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा। और यहाँ पे f बराबर, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर 314 इंटू में 2 पाई, 2 पाई हो गया दोस्तों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, 314, और 2 पाई की वैल्यू 3.14। यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या करो दोस्तों, 00 लगा दो, ठीक है। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास 50 हर्ट्स आ गया, ठीक है। दोस्तों हमें आर एम एस वैल्यू फाइंड करना है। आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इक्वल टू में क्या होता है दोस्तों, वी एम डिवाइडेड बाय रूट टू, ठीक है। तो आपका जो वी एम दे रखा है, 141.1 दे रखा है, और रूट टू, रूट टू की वैल्यू आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसके बराबर होता है, 1.41 के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, आपका नियरली 100 एम्पियर के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, जो आपका एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो जो आपका एवरेज वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 2 टाइम Vm, और डिवाइडेड बाय किसके बराबर होता है दोस्तों, पाई के क्या होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। तो 2 Vm कितना रखा है, 141.1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3.14 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 90 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया दोस्तों, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर जो आई में दे रखा हो किस तरीके से निकालना है, वी में दे रखा हो किस तरीके से निकालना है, आप इजीली क्या करोगे दोस्तों, एग्जाम में निकाल लोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपके एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है दोस्तों, की जो आपका रजिस्टर का जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उससे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और समझते हैं क्या होगा इसमें, ठीक है। दर अ रजिस्टर ऑफ आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है, विद अ पैरेलल सर्किट ऑफ टू रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम एंड 8 ओम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 96 वॉट, वॉट अप्लाइड वोल्टेज इज 24 वोल्ट, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है दोस्तों, हमें वैल्यू ऑफ आर निकालना है। यहाँ पे बोला गया कि एक रजिस्टर है आर, ठीक है। तो देखिए अगर जो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर बनाता हूँ, ये हमारा आर हो गया, ठीक है। वो दो रजिस्टर जो पैरेलल है, यानी कि दो रजिस्टर पैरेलल की बात करा दोस्तों, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये जो है दोस्तों इसको मान लीजिए 12 ओम, और इसको मान लेते हैं 8 ओम, ठीक है। ये दोनों है और किससे कनेक्टेड है दोस्तों, एक सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। जो कितने वोल्ट का है दोस्तों, यहाँ पे प्लस और इसको माइनस मान लेते हैं, ये 24 वोल्ट क्या दे रहा है, इसे सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये R हो गया दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में आपको एक चीज याद रखिए कि पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। जितना वोल्टेज 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस होगा उतना ही 8 ओम के अक्रॉस भी होगा, ठीक है दोस्तों, ये चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम आर इक्विवेलेंट निकाले, इसको नाम दीजिए R1, इसका नाम दे देते हैं R2, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि जो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे क्या पता है हमें कि R1 एंड R2 आर इन किसके अंदर है दोस्तों, ये पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है पता है फॉर्मूला, R/1 इक्विवेलेंट इक्वल टू में क्या होगा, 1/R1 + 1/R2, ठीक है। 1/R1 की जगह 12 + 1/8। अब दोस्तों अगर जो एलसीएम लूंगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये आ जाएगा 48 आ जाएगा। 12 चौक 48 होता है और 8 6 48, ठीक है, ये आ गया। तो यानी कि 10/ क्या आ गया दोस्तों, 48 आ गया, ठीक है। अब अगर जो यहाँ पे देखूँ कि 1/R इक्विवेलेंट है दोस्तों, वो किसके बराबर है, 10/48 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 48 इक्वल टू में 10
आर इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा दोस्तों, 48/10 यानी कि 4.8 ओम। ठीक है, तो आपका जो आर इक्विवेलेंट आ गया 4.8 ओम। तो अब जो हमारा सर्किट बनेगा, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, साथ साथ सर्किट भी क्या करिए बनाते जाइए। ठीक है, तो एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमारा सोर्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, दो जो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आर हो जाएगा और ये जो होगा वो क्या होगा, 48 ओम हो जाएगा। अब देखिए पावर क्या है दोस्तों, 696 वोल्ट है। ठीक है, और वोल्ट क्या है, 24 है, तो आई निकल जाएगा, यानी सर्किट का टोटल आई क्या होगा वो हमें पता चल जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट इंटू करंट होता है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी अपॉन वी हो जाएगा। पी हमें 96 दे रखा है और ये हमारा 24 दे रखा है, काट दीजिए कितना जाएगा यहाँ पे 4 एम्पियर। तो हमें करंट पता चल गया, वोल्टेज पता है दोस्तों, तो टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा हमको सर्किट के अंदर के, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ओम्स लॉ से। वी इक्वल टू में क्या होता है दोस्तों, आई आर होता है, तो आर यानी कि आर टी बोल दो, टोटल टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वी कितना है दोस्तों हमारे पास, 24 है। ठीक है, और आर क्या है हमारा, 4, काट दीजिए कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये 6 एम्पियर। ठीक है, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर सॉरी 6 ओम होगा, सॉरी 6 ओम। तो आर जो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम आ गया, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दोस्तों ये इन्हीं दोनों से तो मिलके बना होगा, यानी कि आर प्लस में आर इक्विवेलेंट से मिलके बना होगा। तो आर 6 है, हमें आर नहीं पता, ये पता है कितना है दोस्तों, 4.8 है। ठीक है, तो आर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4.8 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.2 आ जाएगा। ठीक है, 1.2 ओम के क्या आएगा, ये बराबर आ जाएगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है दोस्तों, आप कैपेसिटेंस से। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे डीसी में आपके कैपेसिटर भी आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो सीरियल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो कैपेसिटर में आएगा। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है कि जो सीरीज के अंदर कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, 1/C इक्विवेलेंट किस तरह होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे डॉट 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 करते हुए 1/CN तक। और जो पैरेलल में होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से ये जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या बोला गया इसके अंदर, इफ 5 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेडे आर द ज्वाइंट इन अ सीरीज, सीरीज में ज्वाइन कराएगा कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया, इनको सीरीज में लगाते हैं, 5 कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरेडे का। ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा ये आपको बताना है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा सीरीज के अंदर फॉर्मूला आता है, 1/C इक्विवेलेंट किस तरह, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 और 1/1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा दोस्तों, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आएगा 5 माइक्रोफेरेडे का क्या आएगा दोस्तों, ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इफ द 5 कैपेसिटर ऑफ ईच ऑफ द कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड, अगर जो हम किस में कनेक्ट करते हैं दोस्तों, उसको पैरेलल में आप कनेक्ट करते हैं तो बता रहा है। तो पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा, 5 माइक्रोफेरेडे का क्या आएगा, ये भी बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया दोस्तों कि ये जो वाइबा में क्वेश्चन होता है ये बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, कि बताओ भाई जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका एक नंबर में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो थोड़ी सी कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, उसमें देखते हैं। देखिए क्या बोला, कैपेसिटर ऑफ 4, 6 एंड 12 माइक्रोफेरेड फ्राइडे आर कनेक्टेड इन द फर्स्ट पैरेलल, पहले किस में कनेक्ट करा, पैरेलल में, देन सीरीज में। कंपेयर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस एंड द एंड टू कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमें कंपेयर करना है दोनों का। तो देखिए सबसे पहले अगर जो हम सीरीज में करते हैं, किस में करते हैं दोस्तों, सीरीज में, तो सीरीज में 3 कैपेसिटर है, यानी कि C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज। अगर हम सीरीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर जो इक्विवेलेंट होगा, सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/4, 1/6 और 1/12। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, ये 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/12 कट गया, तो सी इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 2 माइक्रोफेरेडे के क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सीरीज में हो गया। अगर जो हम पैरेलल की बात करें कि जो पैरेलल में क्या होगा दोस्तों, ठीक है, तो पैरेलल में जो होगा वो क्या होगा, सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 12 10, और ये क्या होगा, 22 माइक्रोफेरेडे के क्या होगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, 22/2 कट के क्या जाएगा, 11:1 के क्या आएगा, ये बराबर हमारा
आ जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर इज एट 25 माइक्रोफेराडे एंड द कनेक्टेड इन अ पैरेलल एंड 6 माइक्रोफेराडे कनेक्टेड इन अ सीरीज। देखिए दो कैपेसिटर है, अगर जो हम दोनों किस में कनेक्ट करते हैं, एक पैरेलल में, तो कितना आता है दोस्तों हमारे पास, ये 25 माइक्रोफेराडे आता है। जब उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना आता है, 6 कैपेसिटर आता है, ठीक है। तो डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द ईच कैपेसिटर, तो हमें बताना है कि हर एक की कितनी कैपेसिटेंस होगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम सीरीज में C1 एंड C2 आर इन किसके अंदर है दोस्तों, ये पैरेलल में, पहले हम पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होगा, C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अगर जो ये दोनों किसके अंदर है दोस्तों, सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, तो सीरीज में क्या होगा हमारे पास, 1/c में सी इक्विवेलेंट होता है, 1/c में C1 प्लस 1/c में C2। अगर जो हम यहाँ पे लिखे तो C1 × C2, यहाँ पे C1 प्लस में C2 हो जाएगा, और इक्विवेलेंट लिख लेंगे सी इक्विवेलेंट, यानी कि C1 C2 और C1 + C2 हो जाएगा, ठीक है। और किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 6 माइक्रोफेराडे के बराबर हो जाएगा। अब दोनों में देखिए C1 + C2 कितना, 25 है, तो यहाँ पे अगर जो मैं 25 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 C2 / 25 = 6, तो C1 C2 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें पता है, अगर जो आप देखोगे इसको सही से, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए प्लस बी आपको देखा है 25, A × B देखा है 150। आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले अगर जो मैं A - B निकालना चाहूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, कि मैं यहाँ पे C1 - C2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखता हूँ। वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा दोस्तों, C1 + C2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 × C1 C2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए C1 C2 का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 × में कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आएगा 150, ठीक है, ये 625 हो जाएगा, माइनस में ये क्या होगा 600 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 25, यानी कि C1 - C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर जो इसको होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5। तो अब पता है दोस्तों यहाँ पे C1 + C2 कितना है, 25 है, और आपने निकाल लिया C1 - C2 कितना आ गया 5। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × C1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 30, यानी कि C1 = में क्या आएगा 30/2, कट के कितना आ गया दोस्तों 15, यानी 15 माइक्रोफेराडे आ गया। और C1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो 15 + में क्या आएगा C2 = में 25, यानी कि C2 = किया जाएगा 25 - 15, तो जो आपका C2 होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 माइक्रोफेराडे के क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कॉम्बिनेशन का हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। तब तक वीडियो को जरूर दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है, आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो आपको जो भी डाउट हो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पे जो भी आपके डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो सारे कुछ क्लियर करा जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।